एम्पायर सूटिंग शर्टिंग टेलरिंग एसेसरी डिजाइनर एंड रेडीमेड शोरूम के एम आर होल सेल फ्लावर मार्ट रूबरू उस्मानिया मस्जिद फूल बाजार तीन खंदिल रायचूर। रायचूर जिले का सबसे बड़ा फर्नीचर शोरूम भारत फर्नीचर। आदाब नाजरीन, मैं आपका मेजबान इंडियन भाषा A1 टीवी उर्दू में आपका इस्तकबाल करता हूँ। हमारे इस उर्दू न्यूज को यूट्यूब पर देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को दबाकर उर्दू के फरोग में हिस्सा लीजिए। और याद रखिए 744 डेन चैनल पर अमोघा में भी आप इसे देख सकते हैं। लॉकडाउन में नरमी जिले के लिए राहत, लेकिन एहतियात बरतने के लिए नौजवान खायद रवि बोसराज की अपील। कांग्रेस के नौजवान खायद रवि बोसराज ने A1 टीवी से बात करते हुए कहा कि हमारे रायचूर के लिए खुशी की बात है कि हमारा ज़िला ग्रीन जोन में शामिल है और यहां कोरोना का कोई केस अब तक दर्ज नहीं हुआ। यही वजह है कि हमारे ज़िले में लॉकडाउन में राहत दी गई है। ये राहत मजीद बढ़ सकती है और धीरे धीरे हालात मामूल पर आएंगे, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि ये सहूलियत ग्रीन जोन की वजह से मिली हैं, लिहाजा हमें एहतियात बरतना ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंस रखना, मास्क लगाना जैसी एहतियात हर कोई बरतने लगेंगे तो बेहतर होगा। अगर आगे ज़िले में कोरोना के कोई केस आएंगे तो ये सहूलियत कम हो सकती हैं या ख़त्म भी हो सकते हैं। मज़ीद तफसीली बातें आप नौजवान खायद रवि बोसराज की ज़बानी सुनिए। टीवी में वेलकम करता हूँ। अब जो दुकानदार जो खोल सकते हैं वो तो लिस्ट बाहर आ चुकी है। जो नहीं खोल सकते हैं वो लिकर शॉप्स हो सकते हैं, रेस्टोरेंट्स हो सकते हैं। नहीं खुलते से लिस्ट है, सब खुलते से नहीं खुलते के जो कुछ भी हैं अभी टेलरिंग शॉप्स हो सकते हैं, वो कपड़े के मार्केट हो सकता है और इलेक्ट्रिकल दुकान हो सकते हैं और ऑटोमोबाइल दुकान हो सकते हैं। इसकी क्या तो टाइमिंग है क्या? नहीं, अब तक तो टाइमिंग का कोई जिक्र नहीं हुआ है। फिलहाल अभी TC और SP साहब के बीच में वो सलाह मशवरा हो रहा है कि कितना हद तक कितना टाइमिंग देना चाहिए, मगर मेरे हिसाब से तो पूरी खुली छूट है। मगर बाज़ लोग बोल रहे सिर्फ 5 दिन के वास्ते है। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि 5 दिन के लिए आप खुली छूट दो और फिर बाद में उसको बंद कर दें। मगर ये पूरी जो है इस जो पॉजिटिव केसेस आज तक नहीं हुआ है, उस वजह से हमारी जो खुली छूट दे रहे हैं उस वजह से दे रहे हैं। आगे जाकर अगर कुछ पॉजिटिव केस निकल जाए, खुदा ना खास्ता, तब अगर फिर बंद होने की चांसेस हैं। तो अभी तो जिनको भी क्वारंटाइन करे ना साहब, वो क्या तमाम लोगों की रिपोर्ट आई क्या सर? नहीं, अभी तो आई नहीं है। वो एक हमारे जो हुकूमत है, कर्नाटक की हुकूमत हो सकती है या हिंदुस्तान की हुकूमत का एक फेलियर है कि वो पूरी तरह से इसमें नाकामयाब रहे हैं टेस्टिंग में। पूरी तरह से जो लॉकडाउन के टाइम में जो भी टेस्टिंग करना था वो उतना टेस्टिंग हुआ नहीं है, इसीलिए आज मालूम नहीं पड़ रहा है कि किसकी किसमें वो वायरस है। तो फिर इससे बचने की कोई खास वजह एक है, हमारी इम्यून सिस्टम अच्छी है हिंदुस्तान के लोगों में और ऊपर वाले की एक मेहरबानी है। नहीं सर, ये वायरस से जबकि हमारा सिस्टम सही नहीं है, खासतौर मेडिकल का लेके मेडिसिन का, तो फिर किन चीज़ों से बचना सर? हम एक ही वजह है कि वो लॉकडाउन है। लॉकडाउन से क्या होता है कि हम एक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, एक से एक अगर ताल्लुकात नहीं है तो वो बढ़ने की जो ये है वो कम हो जाता है और लोग तो दूसरी साइंटिस्ट अलग अलग के साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि ये धूप से भी हमारी
जो अभी गुलबर्गा में भी धूप है ना। हाँ धूप है, मगर वो जो केसेस हैं ज्यादातर बाहर से इन्फेक्शन लेके आए हैं, दूसरा कंट्री से। मगर कह नहीं सकते हैं कि यही कारण है कि आज हमारे सर हमारे बिल्कुल करीब में 20 किलोमीटर पे नंदनी है, गढ़वाल है, जैसे कि कर्नूल है, वही वजह है। वहाँ पे भी एक कारण है कि वहाँ पे क्यों बढ़ा है, और उससे ज़्यादा ये है कि हम जो रायचूर में है ये समझ के चलना नहीं चाहिए कि हमारे में नहीं है, रह भी सकता है, क्योंकि ज़्यादातर जो हिंदुस्तान में जो केसेस निकल रहे हैं वो एसिम्प्टोमेटिक बोलते हैं उसको, कि सिम्टम्स ही नहीं है, किसी को खांसी नहीं हो सकता है, किसी को बुखार भी नहीं है, किसी कुछ सिम्टम्स नहीं है, फिर भी उसमें वो जहरीले वायरस हो सकता है। तो इसीलिए हम पूरी तरह से हम ये भी नहीं कह सकते कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में वो वायरस नहीं है, जब तक टेस्टिंग होता नहीं है, जब तक अच्छी तरह से टेस्टिंग होता नहीं है तब तक हम कह नहीं सकते कि यहाँ पे वायरस नहीं है। फिर भी हमारा एक खुश नसीब है कि जो भी टेस्टिंग हुआ है या जो भी बाहर आया है उसमें हमारे पास कोई पॉजिटिव केस नहीं है, इसलिए आगे जाकर हम बहुत इससे पेश आना चाहिए, एक दूरी बरकरार रखना चाहिए, और नौजवान से बहुत उम्मीदें हैं कि वो कायम करें और हमारे जिले को इस वायरस से बचा जाए। और भी कुछ इसलिए ये कहते हुए कि आगे जाकर पूरी रायचूर एक मिसाल बने पूरी देश में कि ये वायरस को किस तरह हम बिना टेस्टिंग के भी हम इसको दूर भगा सकते हैं, ये रायचूर के आवाम ये मिसाल भेजना चाहिए। ये कहते हुए मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, हेल्थ ऑफिशल्स को, पुलिस डिपार्टमेंट को, आशा वर्कर्स को, जो पूरी तरह से उन्होंने जो कुछ भी उनके पास जो थे वो लेकर उन्होंने भी ये लड़ाई लड़ाई, हम पूरे उनके शुक्रगुजार हैं। ये कहते हुए हम पूरे मीडिया को भी खासकर हम इसका ये करना चाहिए, क्योंकि उनका भी बहुत बड़ा इसमें हाथ था कि ये वायरस के बारे में बताएं। तो ये कहते हुए मैं मुबारकबाद देते हुए मैं ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ कि सब पूरे रायचूर के लोग आवाम इससे सुरक्षित है। बने थैंक यू, शुक्रिया सर। नाज़रीन ये थे यूथ कांग्रेस लीडर रवि बोसरा साहब, इनका कहना ये है कि आप लोग लॉकडाउन कल से चालू होने के बावजूद भी, ख़त्म होने के बावजूद भी आप तमाम जिस तरह से इतने दिनों से हर वो चीज़ को आप कोशिश कर रहे हैं, दूर रहें, खासकर सोशल डिस्टेंस, कई एक चीज़ों से आप जो चीज़ों को इतने दिन अपना रहे थे वो उसे कंटिन्यू करें ताकि ये बीमारी से हम बचें। खासकर रायचूर शहर में इनका एक बड़ा हलका है यूथ चाहने वाला, मैं भी अक्सर उनके ताल्लुक से एक शेर कहता रहता हूँ, उसी शेर पर मैं आज के इसका अख्तिताम करूँगा कि खुल जाए जिससे ताला उसे चाबी कहते हैं, खुल जाए जिसे ताला उसे चाबी कहते हैं, कविता जो लिखे उसे कवि कहते हैं, अमन शांति सेकुलरिज्म की यूथ हवा लाकर रायचूर को जो करे रोशन उसे रवि कहते हैं। मैं आपका मेज़बान एंकर इंडियन भाषा T1 TV उर्दू।